नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी गौतम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल गानीराला टीवी। हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कुल 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, लेकिन कल यानी 16 सितंबर को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसमें लगभग 338 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हो चुके हैं। अब मैदान में कुल 1221 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोकने की बात कही थी, जिसके ऊपर अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात दोहरा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और जिसने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं शिवानी गौतम के साथ गानीराला टीवी। धन्यवाद।